नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और जैसे ही ये खबर आई हंगामा मच गया। लगातार कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मोदी सरकार को दोषी ठहराया और कहा है कि साजिश के तहत राहुल गांधी के खिलाफ यह एक्शन लिया गया। दरअसल मामला यह है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी और सभी मोदी को चोर बताया था साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान। इसके बाद उनके खिलाफ सूरत में मामला दर्ज हुआ और जब सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और उसके बाद 2 साल की सजा सुनाई तो नियम के मुताबिक उनकी सदस्यता रद्द हो गई, जिसका नोटिफिकेशन लोकसभा से जारी कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर हंगामा मचा रही है। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बवाल काट रहे हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी का यह मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया है। जी हां, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके से बयान देश और दुनिया से भी आ रहे हैं और अब अमेरिका ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया उसकी आंच अब पूरी दुनिया में पहुंच रही है और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी का सपोर्ट एक तरीके से उन्होंने किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा है, मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से अवगत हैं। हम समझते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूं। अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक की तरफ से यह बड़ा बयान जैसे ही आया है, इसके बाद अब एक अलग ही माहौल आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस इन बयानों को आधार बनाकर मोदी सरकार को जरूर घेरेगी और यह बताने का प्रयास करेगी कि किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद पूरी दुनिया मोदी सरकार की आलोचना कर रही है और लोकतंत्र की हत्या इसे बता रही है। वहीं इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से बयान आया और रो खन्ना ने कहा कि जो कुछ भी राहुल गांधी के साथ हुआ, उनकी सांसदी जिस तरीके से रद्द की गई वो गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये माहौल बनाया गया है और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी हंगामा कर रही है और देश और दुनिया से भी तमाम तरीके से बयान आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर तमाम विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल जी को
डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहां पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं करा रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, जब कोई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है तब कोर्ट की तारीफ करते हैं, कोर्ट का फैसला विरोध में आते हैं कोर्ट की आलोचना करने लग जाते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है क्या? और कोर्ट ने कई बार कहा कि आप माफी मांग रहे हैं क्या, आप माफी मांग रहे हैं क्या ड्यूरिंग द ट्रायल, फिर भी इन्होंने घमंड दिखाया, माफी नहीं मांगी कोर्ट से। तो एज पर लॉ जो आईपीसी में प्रावधान है उसके तहत फैसला सुनाया कोर्ट ने, कोर्ट के फैसले का सबको ही ऑनर करना चाहिए, बाकी उनके पास कोर्ट ने ही शायद एक 30 दिन के अंदर अंदर अपील करने की वो भी उनको एक फैसले में उन्होंने सुनाया है, तो वो जो कुछ भी लीगल काम जो उनके पास है वो करे, और हम भी इसका लीगल एग्जामिन करा रहे हैं। ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने बाइट दे रही हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ, ये मुद्दा ओबीसी दलित का है ही नहीं, ये मुद्दा मुद्दे को डाइवर्ट करने का है। और आश्चर्य और अजीब सी बात है, जिस भाषण में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात राहुल गांधी जी ने कही, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात कही उनको सजा हो गई, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो आज तक उनको न सजा हुई ना ही उनके घोटाले की जांच हुई, क्या यही भाजपा सरकार है?